अलवर जिले के थानागाजी में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम ने मथुरा से आरोपी हंसराज गुर्जर को पकड़ लिया है और इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी छोटेलाल गुर्जर की पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही है। वहीं एडीजी विजिलेंस गोविंद गुप्ता भी गुरुवार को थानागाजी पहुंचे। यहां उन्होंने थाने में गैंगरेप मामले में अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और साथ ही इस घटना के विरोध में भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। इस प्रदर्शन में विधायक संजय शर्मा, मंजीत चौधरी और जिला अध्यक्ष संजय नरूका सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और इसके अलावा अभिभाषक संघ की ओर से भी कार्य स्थगित करके इस घटना को लेकर रोष जताया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है जो घटित हुई है और सरकार ने और हमारे पुलिस विभाग ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की डीजी साहब खुद बहुत गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि हमारे रेंज आई साहब सेंगथीर साहब भी घटना के 3-4 दिन से यहीं कैंप कर रहे हैं और मुकदमा दर्ज करने के बाद जब मुजरिमों की पहचान करके इनकी गिरफ्तारियों के गंभीर प्रयास किए गए, कम से कम 14-15 टीम बना के जगह जगह भेजी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि जो मुलजिम अपने 5-6 मुलजिम उनमें से 5 मुलजिम लगभग गिरफ्तार हो गए, जिनमें से 4 दुष्कर्म में और 1 जो वायरल करने के दोषी हैं। 5वें मुलजिम का भी प्रयास जारी है। भगवान ने चाहा, ईश्वर की कृपा रही तो हमारा अंदाजा है कि जो शेष मुलजिम बचा है वो भी हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। न केवल गिरफ्तारी, इसके बाद ही हमारा प्रयास ये रहेगा कि इतने जघन्य अपराध में हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें एविडेंस हम ढंग से कलेक्ट करके और न्यायालय में इसकी जल्दी ही सजा कराने का भी हमारा ध्येय है। इस मुकदमे में हम जल्दी चालान करें, इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और इसमें जल्दी सजा पास हो पाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।